अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एंड लाइफस्टाइल में शबाना। हमें उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्मॉल किचन आइडियाज़ लेकर आई हूँ। अगर आपके घर में स्पेस कम है और जहाँ पे आप अपना किचन बनाना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा डिज़ाइन मिल जाए जिसमें आप अपने ड्रॉर्स वगैरह, शेल्फ्स वगैरह बना सकें, आप अपनी फ्रिज रख सकें, आप अपना ओवन वगैरह सब चीज़ें वहाँ पर सेट कर सकें और वो कम जगह पर हो सब कुछ, तो इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगे कि आप किस तरह का स्मॉल किचन बना सकते हैं कम स्पेस में, जो कि लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत है और उसकी बड़ी मॉडर्न सी स्टाइलिश सी लुक आए। ये देखें, इसमें आपको कैबिनेट्स के, ड्रॉर्स वगैरह के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन, साथ आप फ्लोर टाइल्स भी वैसी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये भी छोटा सा है, आप बीच में ओवन भी रख सकते हैं, फ्रिज भी साइड पे रखी हुई है। बड़ी प्यारी सी आइडियाज़ हैं। ये देखिए, आप अपनी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स का कलर अपनी चॉइस का कोई भी रख सकते हैं। देखिए ब्लैक है वो कितना अच्छा लग रहा है, ग्रे अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये वुडन टेक्सचर में है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप सारी कैबिनेट्स वगैरह ही बनवाएं, आप बीच में वैसे भी स्पेस रख सकते हैं जिसमें आप ग्लास रख सकें, उसके अलावा आप प्लेट्स वगैरह रख सकें, जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें, आप स्टैंड्स वगैरह रखें, रैक्स वगैरह रखें, उसमें भी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो स्टैंड पड़ा हुआ है इस पर आप प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं। वैसे आपकी किचन की लुक अच्छी लगती है अगर आपकी सारी चीज़ें कैबिनेट्स के अंदर, ड्रॉर्स वगैरह के अंदर हो, तो आपका किचन बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि स्पेस कम होती है तो आप जो आपके ऊपर स्पेस है आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से सेट करते हैं। ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी इस तरह के ट्रिपल लेयर, फोर्थ लेयर रैक्स होते हैं जिसमें आप कप्स रख सकते हैं, ग्लास रख सकते हैं, स्पून स्टैंड्स होते हैं, उसके अलावा ग्लास और कप्स की अलग से स्टैंड्स होते हैं। तो आप उस तरह की चीज़ें बाई करके जो कि कम जगह में आप उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें रख सकें, तो आप उस तरह की चीज़ें भी ज़रूर रखें क्योंकि आपके पास स्पेस कम है और आपने उसी के अंदर ही हर चीज़ को एडजस्ट करना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें और शेयर कर दें फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप और घर की डेकोरेशन के, इंटीरियर वगैरह के आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरी इंटीरियर एंड डेकोर की प्लेलिस्ट विज़िट करें, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये देखिए, नीचे ब्लैक और ऊपर वाइट का कॉम्बिनेशन, तो आप दो कलर्स में भी बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।